हेलो वीअर्स वेलकम टू जी के एल क्लासेज एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू क्लास एट साइंस वर्कशीट नंबर थर्टी वन एंड जिसकी आपकी डेट है सिक्सटीन नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन सो हेयर द स्टूडेंट्स विल राइट देयर नेम एंड हेयर द टीचर्स नेम सो हेयर टूडेज टॉपिक इज लाइट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लाइट टुडे सो वी नो ऑल द ऑल दैट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन द रटीना हम सबको मालूम है कि जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म होती है हमारी आईज में रेटिना के ऊपर जो है वो फॉर्म होती है हाउ एवर द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट मैनेज इमीजिएटली आफ्टर द रेटिना और इसके बाद अगर इमेज हमारी आंखों के आगे से हट भी जाए तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो वो हमारी रेटिना पे जो इमेज बनी हुई है वो इमिजिएटली जो है जो है वहाँ से नहीं हटती इट परसिस्ट देयर फॉर अबाउट वन बाय सिक्सटीन ऑफ अ सेकेंड तो वन बाय सिक्सटीन सेकेंड एक सेकेंड का भी वन बाय सिक्सटीन पार्ट जो है वो हमारे रेटिना पर जो है वो रहता है सो इफ स्टिल इमेज ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट आर फ्लैश्ड ऑन द आई एट सिक्सटीन और रेट faster than 16 per second then the eye will experience that a uh, object is moving like a movie तो अगर 1 बाय 16 सेकेंड तक सिर्फ इमेज रहती है और अगर इससे भी फास्ट फास्ट जैसे कि आप कोई मूवी देखते हैं तो उसमें जो है सारे करेक्टर्स जो है इधर से उधर मूव कर रहे होते हैं तो हमारे क्योंकि आईज में सिक्सटीन पर सेकेंड की भी स्पीड से जो है वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो हमें जो है वो क्या दिखता है इमेज की जगह कि लाइक वी आर वाचिंग अ मूविंग ऑब्जेक्ट हमें वो ऑब्जेक्ट uh, जो है वो मूविंग मूव करता हुआ दिखेगा लेट लेटर्स अंडरस्टैंड इट थॉरोली एज एन एक्टिविटी तो यहाँ पे एक एक्टिविटी शो की गई है कि वो कैसे मूव करता दिखाई देता है तो इस एक्टिविटी में इन्होंने क्या किया टेक अ स्क्वायर बॉक्स ऑफ अ कार्डबोर्ड विद डायमेंशन बिटवीन द रेंज ऑफ सिक्स टू एट सेंटीमीटर्स इनकी डायमेंशन दी हुई हैं सिक्स से एटीन सेंटीमीटर्स के बीच में एंड द मेक द टू होल्स ऑफ द राइट एंड लेफ्ट एज ऑफ अ कार्डबोर्ड अब इसके राइट right और लेफ्ट एज में यहाँ पे जो है होल बनाए गए हैं और उसके बाद क्या किया स्ट्रिंग पासिंग थ्रू द टू होल्स और इसके बाद ये जो एक स्ट्रिंग है यानी एक धागा जो है वो इन दोनों होल से जो है Uh, आर पार जा रहा है uh, uh, so, पेस्ट केज ऑन फ्रंट साइड ऑफ़ कार्डबोर्ड तो यहाँ केज की गई है बर्ड साइड और मूव करेगी इस पर जो है एक बर्ड की इमेज पे शो की गई है अब इसके बाद होगा क्या होल्ड द स्ट्रिंग फ्रॉम बोथ साइड्स एंड ट्विल द स्विंग मेनी टाइम्स अब कह रहे हैं इस स्ट्रिंग को जो आप कई बार मूव करोगे यानी ये जो जिसपे बर्ड बना हुआ ना इसको आगे पीछे आगे पीछे जो, आगे पीछे, जो आप कई बार जो है मूव करके आफ्टर दैट रिलीज इट और उसके बाद जो है फटाफट से इसे छोड़ेंगे तो वट विल हैपन डूइंग द अब स्टेप जब आप ये करेंगे वी सी द कार्डबोर्ड मूविंग फास्ट विच क्रिएट्स द इल्यूजन दैट द बर्ड इज इन साइड द केज तो कार्डबोर्ड इतना फास्ट मूव करेगा कि हमें ऐसा दिखाई देगा जैसे कि ये जो बर्ड है ये इस केज के अंदर है तो so, ये हमें जो है इस एक्टिविटी से ये पता चल रहा है कि वो कैसे जो, हमें, running images जो है हमें रनिंग इमेजेस जो हैं वो दिखाई देती हैं जिससे हम बोलते हैं कि हमें मूवी हम लोग मूवी देख रहे हैं तो यहाँ पे सेम चीज बताई गई है डू यू नो द सेम फिनोमिनल वी वॉच अ मूवी क्लिप वेयर मोर देन ट्वेंटी फोर इमेजेस आर क्लिप्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर इन वन सेकेंड तो उसमें तो मूवी में तो कई चीज़ें कई इमेज एक साथ मूव कर रही होती हैं वन uh, सेकेंड में तो दिस कन्फ्यूज द आईज टू बिलीव वी आर वॉचिंग अ मूवी और इसी की वजह से जो हमारी है हमारी आईज कन्फ्यूज होती हैं कि हम जो है मूवी जो है वो देख रहे हैं तो यहाँ पे चेक योर सेल्फ में देयर इज एक्टिविटी गिवन फर्स्ट क्वेश्चन इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑन विच पार्ट ऑफ द आई तो आपने ये बिल्कुल स्टार्टिंग में किया है कि किस पार्ट पे जो है तो द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो इसका आंसर आपका फर्स्ट का क्या होगा द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्मड ऑन दू रेटीना तो ये आपकी इमेज कहाँ बनती है आपकी रेटीना के ऊपर फॉर्म होती है तो दिस इज योर आंसर नंबर वन नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू इज हाउ लॉन्ग डज द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज परसिस्ट ऑन द रेटीना तो हाउ लॉन्ग कितनी देर तक जो है आपका जो है इमेज का परसिस्ट आपके रेटीना पर रहता है तो ये आपने करा था वन बाय सिक्सटीन ऑफ अ सेकेंड तो इट परसिस्ट ये आपका आंसर नंबर टू हो जाएगा इट परसिस्ट देयर फॉर अबाउट वन बाय सिक्सटीन ऑफ अ सेकेंड सो दिस इज योर आंसर नंबर टू वन बाय सिक्सटीन ऑफ अ सेकेंड जो है आपका इमेज uh, जो है वो रेटीना पर परसिस्ट करता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री इज हाउ आर वी एबल टू वॉच मूवीज हमें जो है मूवीजती है, है तो, uh, तो यहाँ पे आएगा, uh, आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं वाइल वी वॉच अ मूवी क्लिप वेयर मोर देन ट्वेंटी फोर इमेजेस आर फ्लिप इन अर्टिकुलर ऑर्डर इन वन सेकेंड देर इज नो नीड टू राइट क्वेश्चन मार्क आप ये क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप लगा सकते हैं दिस कंफ्यूज इज दू बिलीव वी आर वॉचिंग अ मूवी और तो यहाँ पे जो है जहाँ पे 24 से ज़्यादा इमेजेस एक सेकंड से कम टाइम में भी मूव कर रही होती हैं तो हमारी आईज जो हैं वो आ, बिलीव करती हैं कि जो है हम लोग क्या कर रहे हैं वॉच वॉच कर रहे हैं मूवी को नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू हाउ टू टेक केयर ऑफ योर आईज आप अपनी आइज़ की जो है कैसे जो है देखभाल कर सकते हैं राइट फोर मेजर्स फॉर इट तो इसका आंसर जो है यह रिटर्न है दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ईट हेल्दी एंड बैलेंस डाइट आपको अपने जो है खान पीने का ध्यान रखना होगा और बैलेंस डाइट लेनी होगी वन ग्लासेज आप सूरज वगैरह की रोशनी में जाते हैं तेज लाइट होती है तो उसके लिए आपको सन ग्लासेज वेयर करने चाहिए गिव योर आइज अ रेस्ट आपको अपनी आँखों को जो है रेस्ट भी देनी चाहिए एंड कीक प्रॉपर मॉनिटर डिस्टेंस एंड रूम लाइटनिंग आप जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन के आगे जो है बैठे रहते हैं हर टाइम तो उस समय भी जो है आपका चाहे टीवी की स्क्रीन हो चाहे बुक बुक्स हो आपकी तो आप जहाँ से भी स्टडी कर रहे हैं स्पेशली मॉनिटर क्योंकि वहाँ से कंटिन्यूसली आप रेज़ जो आपके आइज़ में जो है लग जाती हैं और रूम लाइटनिंग का भी आपको ध्यान रखना है रूम लाइटिंग यानी बहुत कम लाइट है तो आपको उसमें जो ज़बरदस्ती स्टडीज़ नहीं करनी है आपको प्रॉपर लाइटिंग के साथ जो है रूम में जो है स्टडीज़ करनी है आई होप आपको आज की वर्कशीट जो है अच्छे से क्लियर हुई होगी थैंक यू एवरी फॉर वॉचिंग